जो वस्तु आज मिली है निश्चित रूप से एक दिन उसका अंत वियोग में होना है, वो जाने ही वाली है। जैसे शरीर के साथ भी मुझ आत्मा का संयोग हुआ है, माँ के गर्भ में आत्मा का और इस शरीर का एक संयोग हो गया था, तो इस संयोग का अंत कहाँ होगा, ये आत्मा से इसको अलग होना ही पड़ेगा एक दिन। यही सत्य है, अकाट्य सत्य है ये। तो संयोगाह वियोगांत, इसलिए जब कोई इष्ट स्थिति आएगी, अनुकूल परिस्थिति आएगी हमारे जीवन में, तो उस समय हम कैसे उसके साथ हमें ट्रीट करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आई है इसका स्वागत है, लेकिन एक दिन ये जाने भी वाली है, इसके लिए मैं पहले से ही जानता हूं। इसलिए जिस दिन वो जाएगी आप स्थिर रह पाएंगे, नहीं तो वो तो जाएगी लेकिन अपने साथ साथ वो हमारे चित्त की समता को भी ले जाएगी, फिर हमारे चित्त के सुख चैन को भी ले जाएगी फिर वो। तो चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई वस्तुएं हों, व्यक्ति को लगता है कि पुत्र क्या मरा, मैं ही मर गया, पत्नी क्या मरी, मैं ही मर गया, पति क्या मरा, मैं ही मर गया, धन क्या नष्ट हुआ, मैं ही नष्ट हो गया, बिजनेस बर्बाद नहीं हुआ, मैं बर्बाद हो गया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया था, हमने अपने आप को उसके साथ इतना क्लोज कर लिया था कि हम एक दूसरे के स्वरूप को अपना ही स्वरूप समझने लगे थे। तो एक एक गीता जी का जो श्लोक है वो जीवन की इतनी ऊंची शिक्षा हमें दे रहा है, बस हम उस चेतना को टच करें, और टच करके केवल पढ़ने से नहीं, जैसा मैंने बताया अभी कि ये इष्ट और अनिष्ट के प्रति जो नित्य समचित्त रखना है ये तभी हो पाएगा, इसकी ट्रेनिंग जीवन के इष्ट और अनिष्ट परिस्थितियों में ही हो सकती है। इसलिए इष्ट अनिष्ट के प्रति जागरूक नहीं होना आपको कि कब कौन सा आ रहा है, उसकी बजाय उन परिस्थितियों में मैं कैसे रह पा रहा हूँ इसकी तरफ ज़्यादा जागरूक होना। आप कहना जब अनिष्ट आए तो कहना कि प्रभु की कृपा है, एक परीक्षा आ गई है अब मेरे सामने, और यदि मैंने इस परीक्षा को पास किया तो सदा सदा के लिए मेरी चेतना अपग्रेड हो जाएगी। फिर वो इस जन्म के लिए नहीं होती है, इस संसार की परीक्षाएं जो डिग्री डिप्लोमा है वो तो केवल इस जन्म के लिए हैं। हो सकता है इस जन्म में किसी ने PhD, DLED सब डिग्रियां ले ली और अब इसकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में जब वो पैदा हो तो वो ये नहीं कह सकता है कि ये तुम्हें पिछले जन्म में लेके आ गया था इसलिए मेरे को अब पैदा होते ही आप डॉक्टरेट से युक्त समझें, आप मुझे डॉक्टरी बोलें, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो उस जीवन की डिग्री थी, उसी के साथ समाप्त हो गई। लेकिन ये जो अध्यात्म की जो डिग्रियां हैं, चित्त की, चित्त को समता में लाने की जो उपलब्धियां हैं, ये इस जीवन के साथ नष्ट नहीं होती, अगले जन्म में भी साथ जाती है। इसलिए इस जन्म में जिन योगियों ने साधना की, पता लगा अगले जन्म में वो बाई बर्थ ही योगी थे, वो ध्यान योगी थे, वो निर्लिप्त योगी थे। जैसे शुकदेव मुनि के बारे में बताते हैं, वो माँ के गर्भ में ही मोह माया से अनासक्त थे, क्योंकि उन्होंने ये डिग्री पहले जन्म में ही इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया था। इसलिए हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, जरूरी नहीं है कि एक पहले ही दिन जाके समुद्र में छलांग लगाना कि अब मुझे यहाँ तैरना है, पहले तो स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल में भी पहले दिन कहाँ डालते हैं बच्चे को, घुटनों तक पानी में। इसलिए छोटी छोटी अनुकूलताएं, छोटी छोटी प्रतिकूलताएं, छोटे छोटे इष्ट, छोटे छोटे अनिष्ट, वहां से हमें साधना शुरू करनी है। छोटे छोटे इष्ट, मान लो मुझे कोई फल पसंद है, मुझे कोई कपड़ा पसंद है, मुझे कोई परफ्यूम पसंद है, मुझे कोई गहना पसंद है, उससे मैं कितना अपने आप को डिटैच कर पाता हूँ। अगर मुझे वो किसी को देना पड़े तो मेरे चित्त की क्या स्थिति होगी? वो मैं किसी को दे दूं और मेरे चित्त में बिल्कुल भी ऐसा ना आए कि मेरी कोई वस्तु किसी ने ले लिया, मैंने दे दी, तो समझना कि हम समता में हमारे चित्त को रहने के लिए हमने
इतनी सी यात्रा तय कर ली है, फिर उससे कीमती कोई वस्तु है और वो जब हमारे से हटाई जाती है उस समय हमारे चित्त की क्या स्थिति, तो हमें हम ज्यादा विचार उस समय उस वस्तु के बारे में करते हैं, क्यों गई, कैसे गई, नहीं जानी चाहिए, फिर से आनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। उस समय आप यहाँ शक्ति वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो जाने ही वाली थी, वो चली गई, वो जाने के लिए ही आपके पास आई थी। अब आप शक्ति यहाँ लगाएं कि उसके जाने के बाद भी मैं अपने चित्त को स्थिर कैसे रखूं, क्योंकि मैं एक निर्लिप्त आत्मा हूँ, मैं इनके साथ एकाकार नहीं हूँ। ये है नित्य समचित्तत्व। ये हो कैसे, चाहते तो हैं, हो कैसे, हो नहीं पाता है ना, हो नहीं पाता है तो फिर अपने से किसी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा। उसका उपाय भी अगले ही श्लोक में भगवान कृष्ण ने बता दिया। अगले श्लोक में इन्होंने बताया, मई च अनन्य योगे न भक्ति ही अव्यभिचारिणी। ये शक्ति तो तब आएगी, नित्य समता में चित्त को रखने की शक्ति कहीं किसी दुनिया के मार्केट में नहीं मिलती है कि भाई उसमें जो बहुत श्रीमंत हैं, जो करोड़पति हैं, वो तो खरीद लाएंगे और जो बेचारे गरीब हैं वो रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। तीनों लोकों की संपत्ति देकर के भी ये शक्ति किसी मार्केट में नहीं मिल सकती, ये अपने ही अंदर से उत्पन्न होती है। कैसे कैसे उत्पन्न हो सकती, और इसको एक बिल्कुल गरीब आदमी भी प्राप्त कर सकता है और बहुत करोड़पति भी प्राप्त कर सकता है, एक मीडियम व्यक्ति भी कर सकता है, बचपन में भी इसको प्राप्त किया जाता है, युवावस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है और प्रौढ़ अवस्था में भी प्राप्त किया जा सकता है। पुरुष भी प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री भी प्राप्त कर सकती हैं, नौजवान भी प्राप्त कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई इसके लिए धन की कोई अहर्ता नहीं है कि कितना धन होना चाहिए, सब आत्माएं इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है? मई च अनन्य योगे न भक्ति, तो उसका उपाय स्वयं गीताकार ही बता रहे हैं, भगवान कृष्ण ही बता रहे हैं, अर्जुन को सिखा रहे हैं कि यदि तुझे अपने चित्त को ऐसा बनाना है तो फिर मुझ में भक्ति का अनन्य योग होना चाहिए। अनन्य योग मतलब भक्ति की एकतानता। जैसे कभी कभी हम तेल को ऐसे ऊपर से गिराते हैं ना, तो उसका एक तार बन जाता है और फिर वो टूटता नहीं, जैसे पानी गिराएंगे तो वो ड्रॉप ड्रॉप करके आता है, लेकिन तेल को जब गिराएंगे तो कितनी भी पतली सी धारा हो लेकिन उसमें एकतानता बन जाती है, और फिर जब वो पानी में फैलता है तो एक ही जगह नहीं फैलता है, जितना पानी है, जो पोर्ट है आपके पास, उसमें ड्रॉप 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 करके पूरे में फैल जाता है, इसको कहते हैं एकतानता। जैसे दीपक जलाते हैं और उससे जो वो धुआं निकलता है तो वो उसकी एक ऐसे रेखा सी बन जाती है काली काली, तो उसको बोलते हैं एकतानता, उसको बोलते हैं अनन्य योग। तो जैसे किसी माँ का अपने छोटे बेबी के साथ, जो एक दो महीने का बेबी होता है, उसके साथ माँ का जो ध्यान है वो कैसे होता है, अनन्य योग होता है। एक पल के लिए भी वो अपने बच्चे को भूलती नहीं है, काम सारे करती है, ख्याल उसका अपने बेबी के प्रति रहता है। ऐसे ही जो ईश्वर का भक्त है, जिसको अपने चित्त को समता में लाना है, उसके चित्त की स्थिति कैसी होती है, उसकी भक्ति क्या उसका चित्त होता है, अनन्य योगे न मई भक्ति, वो ध्यान, उसका जो ध्यान है उसकी ध्यान की एकतानता बनी रहती है, उसका दिल प्रतिपल ईश्वर में लगा रहता है। स्नेह प्यार की तुझसे प्रभुवर बांधी है जीवन डोर, दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर। और दूसरा बताया अव्यभिचारिणी भक्ति, इसकी भक्ति कैसी होती है, अव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी, व्यभिचारी मतलब
लोक में भी व्यभिचारी उसको कहते हैं। आज इसके साथ संबंध जोड़ा, कल उसके साथ जोड़ा, परसों इसके साथ जोड़ा, तरसों इसके साथ जोड़ा, उस व्यक्ति को कहते हैं ये व्यक्ति तो व्यभिचारी है, मतलब चेंज करता रहता है संबंधों को। अव्यभिचारी मतलब एक के साथ ही संबंध है, उसको कहेंगे अव्यभिचारी। तो भक्ति भी व्यभिचारिणी होती है, अव्यभिचारिणी होती है। व्यभिचारिणी भक्ति वो होती है कि जब मेरे को जरूरत पड़ती है तो फिर तो मैं सब देवी देवताओं के साथ भक्ति जोड़ लेता हूँ, उससे भी सहायता मांगी, उससे भी मांगी, उससे भी मांगी, सबका भक्त बन गया। और जब वो स्थिति टल गई, जब सब प्रकार की खुशियां जीवन में आ गई, तो फिर सबको भूल गई, फिर भक्ति तो याद ही नहीं रही, फिर तो भोग भोगने में लग गई। तो ये भक्ति कैसी है? व्यभिचारिणी। मेरे को एक कथा याद आती है, किसी व्यक्ति ने बताया, बोल किसी एक कोई श्रीमंत था, तो उसका जो है ना वो भैंसा चुरा लिया किसी ने। तो वो अपने एक किसी नौकर को अपने साथ लेकर के निकला भैंसा की खोज करने के लिए। तो जैसे ही आगे गए तो एक हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पर उन्होंने मत्था टिकाया और मिन्नत मांगी, भगवान जी मुझे यदि मेरा भैंसा मिल जाए तो मैं आपको 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर वो वहाँ से आगे गई, तो थोड़ी देर के बाद गणपति का मंदिर मिला, फिर वहाँ भी उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और बोले अगर मेरा भैंसा मिल जाए तो मैं आपको भी 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। फिर आगे गए तो देवी का मंदिर आया, वहाँ भी उस व्यक्ति ने सिर झुकाया और वहाँ भी उसने यही प्रार्थना की। फिर उसके आगे गए तो विष्णु भगवान का मंदिर आया, फिर शिव का मंदिर आया, ऐसे अनेक देवी देवताओं के मंदिर आए और वो व्यक्ति हर जगह यही काम करने लगा। तो जब वो 8-10 जगह ये कार्य कर चुका, तब उसके नौकर ने उसको बताया, बोले मालिक क्या कर रहे हो, भैंसे की कीमत ही 200 रुपए थी, आपने 1000 की तो मिन्नतें कमिटमेंट कर दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि एक बार भैंसा मिलने तो दो, एक बार भैंसा मिले तो बाद में इन सारे देवी देवताओं से तो बाद में निपट लेंगे। तो मतलब इस तरह की भक्ति वो व्यभिचारिणी भक्ति है, उसको भक्ति की कैटेगरी में ही हम नहीं लेंगे। यद्यपि भगवान कृष्ण ने तो कृपा करके उसको भी भक्ति में ले लिया है, आर्त त्रायण कह दिया उसको, कि जब कोई दुख में होता है और मुझे पुकारता है तो उसकी भी मैं हेल्प करता हूँ, उसको भी निराश नहीं करता हूँ। लेकिन अध्यात्म जीवन के लिए इस प्रकार की भक्ति जो है उसकी स्वीकृति नहीं है। इसलिए यहाँ इस श्लोक में कहा भक्ति अव्यभिचारिणी, ऐसी भक्ति चाहिए जो जिसमें वो भक्त विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो कुछ चीज की प्राप्ति करने के लिए भगवान से नहीं जुड़ता है, बल्कि अपने आप को समर्पित करने के लिए भगवान से जुड़ता है। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जो सच्चा भक्त होगा उसके मन में कभी ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं आएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वरना तो व्यक्ति खूब भक्ति करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, दीप जलाता है, धूप जलाता है, और जब उसके जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाए, उसका बिजनेस पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके घर में किसी उसके जवान बेटे बेटी की मृत्यु हो जाए, उस यदि कोई स्त्री है उसका पति के साथ झगड़ा हो जाए, तलाक हो जाए, या पति है तो उसकी पत्नी मान लीजिए उसको छोड़ के चली जाए, तो उसी दिन उसकी श्रद्धा डगमगाने लगती है ईश्वर से कि मैंने तेरी इतनी भक्ति की, मैंने इतने दान पुण्य किए, फिर मेरे जीवन में ये क्यों हुआ। लेकिन जिसकी भक्ति अव्यभिचारिणी है वो कहता है प्रभु इसके पीछे भी जरूर तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जरूर ये फल दे करके तूने मुझे इस जो पीछे का ऋण था उससे मुक्त कर दिया, हल्का कर दिया है, आपकी कृपा है, आप धन्य हैं। और फिर भी वो अपने भक्ति को और ज्यादा बढ़ा देता है कि ये सब सहन करके भी आप तो मेरे साथ हैं, मैं आत्मा तो कम से कम आपकी शरणागति में हूँ, ये क्या मेरे लिए कम संपत्ति है, ये क्या कम सौभाग्य है मेरे लिए। तो वो अपनी भक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और फिर उस व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, वो सब अग्नि परीक्षाओं से पास होकर के निकलता है। परीक्षाएं तो होनी ही चाहिए,
यदि किसी व्यक्ति की परीक्षा ना हो तो उसकी योग्यता का कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति में कितनी योग्यता है। जिनको हम लोक में भी बड़ा मानते हैं, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, या उससे भी बड़ी कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं, उस व्यक्ति की योग्यता का पता तभी तो चलता है जब बहुत टफ परीक्षा होती है, जब एग्जाम बहुत टफ होता है, तब पता चलता है कि उस व्यक्ति की योग्यता क्या, और उसको आनंद आता है। एक माँ को अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए कितने कष्ट से, प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, और प्रसव पीड़ा तो बाद में आती है, जब से बच्चा गर्भ में आता है। एक छोटा सा भी किसी को जब ब्लड कोई डोनेट करता है और थोड़ा सा ब्लड उस व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो तुरंत बॉडी जो है ना वो उसको स्वीकार नहीं करती है, उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं, वो उसकी बॉडी किसी भी नई चीज को, किसी विजातीय तत्व के आते ही रिजेक्ट करता है बॉडी हमारा। इसलिए हम थोड़ा सा भी विष खा लें यदि तो पूरा शरीर उसको बाहर निकालने के लिए एकजुट हो जाता है, उसको रिजेक्ट करता है क्योंकि वो मेरे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ये टेंडेंसी है हमारे शरीर की, जो विजातीय है उसको हम स्वीकार नहीं करते। तो जब माँ गर्भ धारण करती है तो किसी दूसरे शरीर का कोई छोटा सा अंश माँ के शरीर में आता है तो माँ का शरीर उसको रिजेक्ट करता है। उसके लिए फिर माँ को उल्टियां लग जाती हैं, उसको सर दर्द होता है, पूरा शरीर उसको बाहर निकालने के लिए जी जान लगा देता, लेकिन माँ उसको स्वीकार करती है। उसको पता है कि मेरे एक अंश आया है मेरे गर्भ में और ये मेरी खुशी के लिए आया है और ये सारे परिवार की खुशियों का कारण बनने वाला है, तो वो सारे कष्ट सहन करके भी अंदर से खुश ही होती है गर्भावस्था में। फिर धीरे धीरे शरीर जो है उसको स्वीकार कर लेता है, दूसरे के शरीर से आए हुए तत्व को स्वीकार कर लेता है। तो ये कितना बड़ा धैर्य है माँ का उसको स्वीकार करना, और फिर उसके बाद में उसको अंदर ही अंदर अपने खून से उसका पालन पोषण करती है। माँ के ब्लड से हमारे इस अस्तित्व की उत्पत्ति हुई, तो अपने खून से बनाया। रक्त तो अंतिम धातु है, जो भी हम खाते पीते हैं तो उससे जो 7वीं धातु बनती है वो रक्त है, 8वीं फिर औज है, वीर्य है, तो उससे उसका निर्माण करती है संतान का। तो 9 महीने तक उसको डॉक्टर बताते हैं आपको ऊपर नीचे नहीं ऐसे चढ़ना उतरना है, वेट नहीं उठाना है, ये चीज़ें नहीं खानी हैं, तीखा तला भुना नहीं खाना है, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, जो जो उसको बताते वो सब करती है और खुशी से करती है। कितना उसको धैर्य रखना पड़ता है। उसके बाद फिर प्रसव की पीड़ा कैसे सह लेती है, क्योंकि उसकी उस शिशु के प्रति भक्ति है, अपनापन है, वो चाहती है उसको, इसलिए सारी पीड़ाओं को बहुत सहज रूप से स्वीकार कर लेती है। और फिर इतना ही नहीं, प्रसव पीड़ा के बाद भी जब बच्चा पैदा होता है तो गर्भ के अंदर तो जो कष्ट दिए वो दिए ही, बाहर आकर के भी उन कष्टों का समापन नहीं हो जाता है। फिर भी वो उसको ये भी नहीं पता कि माँ ने 1000 रुपए की साड़ी पहन रखी है कि 5000 रुपए की साड़ी पहन रखी है। उसको जब टॉयलेट आती है वो वहीं कर देता है, बताता भी नहीं है माँ को, और उसको करने के बाद भी वो बच्चे की पिटाई नहीं करती है कि तूने ये क्या किया। वो बड़े आराम से अपनी दूसरी साड़ी चेंज कर लेती है और बच्चे को भी साफ कर देती है। वो बच्चे के लिए स्वीपर का काम भी करती है, वो उसके लिए धोबी का काम भी करती है, उसके कपड़े धोती है, वो उसके लिए माँ का काम भी करती है, अपना अमृत पिलाती है, वो उसके लिए मतलब कुछ भी बन जाती है अपने बच्चे के लिए। छोटे से छोटा काम मलमूत्र साफ करने से लेकर के और बड़े से बड़ा काम अपना अमृत पिलाना, और फिर जब रात को सुलाती है तो उसको लगता है मैं भले ही जगूं, बच्चे को नींद आनी चाहिए। बच्चा यदि गीले में है तो उसको सूखे में सुलाती है, खुद पूरी रात गीले में सोई रहती है। ये सारे कष्ट माँ कैसे सहन कर लेती है, क्योंकि माँ की बच्चे के प्रति अनन्य भक्ति है। उसको लगता है कि ये मेरा और इसका अस्तित्व एक ही है,
और इतना सब करके भी फिर बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए माता पिता किस तरह से अपनी खुशियों में अपने जीवन की वस्तुओं में कटौती करते हैं, तब कहीं जाके उसको एक बड़ा ऑफिसर बना पाते हैं, उसको एक योग्य व्यक्ति बना पाते हैं। और बाई चांस इतना बड़े पद पे जाने के बाद भी यदि वो बच्चा इस सारे त्याग और तप को भूल जाता है तो भी माँ के दिल से कभी बद्दुआ नहीं निकलती है। वो कहती है कोई बात नहीं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो मेरा ही बच्चा, भगवान इसका बुरा मत करना, इसका अनिष्ट मत करना। ये इसको कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। वरना तो जैसे ही हमारे जीवन में कुछ प्रतिकूलता आई तो हम सबसे पहले तो भक्ति करना ही बंद करते हैं। मैंने देखा कुछ ऐसे समाज हैं कि जब उनके घर में कोई किसी की मृत्यु हो गई, कुछ ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो उसी दिन से पूजा पाठ बंद, उसी दिन से हवन बंद। कुछ भी क्यों बंद कर दिया, मंदिर जाना बंद क्यों बंद कर दिया, तुझे घर में मौत हो गई ना, मौत हो गई तो आपका मन अप्रसन्न है, इसलिए अब तो और ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, भगवान की शरणागति की और ज्यादा आवश्यकता है। मौत हुई है तो कुछ ना कुछ वायुमंडल दूषित हुआ है, तो अब तो और ज्यादा यज्ञ करना चाहिए। पहले आप आधा घंटा करते थे तो अभी तो 2-3 घंटे करना चाहिए, ज्यादा सत्संग भजन करना चाहिए, आपने तो सारा ही छोड़ दिया। तो हमें भक्ति कभी भी किसी पल भी छोड़नी नहीं चाहिए। इसको भगवान ने कहा भक्ति च अव्यभिचारिणी। यदि आपको अपने चित्त में समता की प्रैक्टिस करनी है कि मेरा चित्त समता से युक्त रहे, क्योंकि समत्वम योग उच्चते, यही योग की स्थिति है, तभी हम योगी बन पाएंगे। हिमालय में जाने से योगी नहीं बनता है व्यक्ति, आश्रम में जाने से योगी नहीं बनता है, संन्यास लेकर के लाल कपड़े पहनने से व्यक्ति योगी नहीं बनता है, सफेद कपड़े पहनकर ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेने से व्यक्ति योगी नहीं बनता है, बल्कि अपने चित्त को समता की ट्रेनिंग दे करके व्यक्ति योगी बनता है। और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसको कैसे ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक मिलिट्री मैन जब मिलिट्री में जाता है तो उसको 1 साल कैसे गन चलानी है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एक व्यक्ति जब हारमोनियम सीख के उसमें से संगीत उसको निकालना है तो उसको हारमोनियम बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है, सितार बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है, वीणा को कैसे ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वो एक मशीन है। रेल को कैसे चलाना है, उसके इंजन को कैसे ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। फ्लाइट को कैसे चलाना है, पायलट को उसको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह से हमारा मन भी एक मशीन है, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और उसकी ट्रेनिंग ये शास्त्र देते हैं, उसके लिए बाहर कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ये शास्त्र देते हैं, उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे गुरु देते हैं, संत देते हैं, योगी देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले अपने मन को ट्रेंड किया है। और ये मन की ट्रेनिंग जो है ये ऐसी ही ट्रेनिंग है जैसे एक बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है, छोटे बच्चे को, उसको बताया जाता है ये चेयर है, ये टेबल है, ये स्टैचू है, ये ग्लास है, ये चपाती है, और उसको जिस भाषा में ट्रेनिंग दी जाती है ना उसी भाषा में वो उनके नाम याद कर लेता है छोटा बच्चा। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मलयालम बोलते देखा मैंने, इतनी कठिन भाषा है मलयालम, छोटे छोटे बच्चों को कन्नड़ तेलुगु तमिल बोलते हुए देखा, क्योंकि उनको ट्रेनिंग उसी भाषा में हुई। बिल्कुल छोटे बच्चों को इंग्लिश बोलते हुए, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग इंग्लिश से हुई है। तो जिस भाषा में और जिस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है बच्चा बहुत आराम से उसको सीख लेता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो 16 संस्कार किए जाते हैं, उन संस्कारों में हमें मन को चलाने की और जीवन को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है गुरुजनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, कि इस मन को आपको ऐसे चलाना है, इस मन का सदुपयोग ऐसे करना है, अनुकूलता आए तब ऐसे चित्त को रखना है, इस मोड पे रखना है, प्रतिकूलता आए तब इस मोड पे रखना है,
माने समता के मोड पे रखना है आपको इस मन को। सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी लेकिन चित्त को हमेशा समता वाले मोड पे रखना है। ये हमें ट्रेनिंग दी जाती है, यही ट्रेनिंग यहाँ भगवान कृष्ण दे रहे हैं गीता में। मई चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम। तीसरा बताया, जिसको ज्ञानी बनना है ना, तो उसको चित्त को समता में रखना है, ठीक है। उसको ईश्वर के प्रति भक्ति, अनन्य भक्ति रखनी है, कभी भी भक्ति को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। उसको ईश्वर की अनन्य शरणागति में रहना है। मई च अनन्य योगे न, अनन्य योग, अनन्य ध्यान योग, अनन्य शरणागति, ठीक है। और क्या करना है, विविक्त देश सेवित्वम, उसको ज्यादा से ज्यादा विविक्त देश का सेवन करना चाहिए। विविक्त देश का सेवन मतलब एकांत का सेवन करना चाहिए, मतलब जितना अनिवार्य है उतना तो लोगों के बीच में रहना ही पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति घर में रहते हुए भी एकांती हो सकता है, घर में जितने लोगों की जो जो सेवाएं करनी है वो सब अच्छे से करता है, उसके बाद अपने रूम में जाकर के वो भगवान के साथ बैठता है, ध्यान करता है, उपासना करता है, हो गया एकांत सेवन उसका। या उन सब के कार्यों को करते हुए भी भगवान के नाते कर रहा हूँ, ये मेरा भागवत कार्य है लेकिन मैं इनसे अलग हूँ, तो यही एकांत सेवन हो गया है। तो जितना टाइम मिले, नहीं तो व्यक्ति क्या करते हैं, जब तक घर में काम है तब तक काम करते हैं, फिर बाद में कहेंगे आओ चलो बैठ के गपशप करते हैं। जब घर में सब रिश्तेदार, सब बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर के आओ धर्म की चर्चा करते हैं, आओ ज्ञान की चर्चा करते हैं, ऐसा सुना कभी? कभी नहीं। वो कहते हैं आओ चलो गोशिप करते हैं, गपशप करते हैं, फिर गपशप में क्या करेंगे, आओ अंत्याक्षरी खेलते हैं हम, फिल्मी सॉन्ग्स, वो भी भजन की नहीं, फिर वो फिल्मी सॉन्ग्स खेलते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं, और फिर थोड़ी सी देर में झगड़ा होता है, और फिर झगड़ा इतना झगड़ा होता है कि एक दूसरे को अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और भी ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मार पिटाई करते हैं एक दूसरे की, और फिर पूरा जब मन एकदम से दूषित हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तब उठ के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इसकी बजाय यदि सब बैठ करके गोशिप ना करके एकांत सेवन करते कि चलो सब काम हमने निपटा दिए, अब हम बैठ करके कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ जप करते हैं, और वो एनर्जी लेकर के सारे आपस में आकर के बाहर मिलते, एक दूसरे की कदर करते, एक दूसरे के खुशियों की, सम्मान की, स्वाभिमान की उनको पहचान होती, तो वही घर मंदिर और स्वर्ग बन सकता था। यहाँ ये हमें बता रहे हैं कि साधक को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विविक्त देश सेवित्वम, एकांतवास करना चाहिए। एकांत बाहर का नहीं होता है, एकांत हमेशा मन का होता है। कोई व्यक्ति बिल्कुल एकांत में रह करके भी संसारी हो सकता है, और कोई व्यक्ति जागरूक है तो संसार में रह करके भी वो एकांतवासी हो सकता है। तो ये तो अंदर का हो गया, लेकिन बाहर की दृष्टि से भी जितना अधिक से अधिक हो, अपने कर्तव्य पालन करने के बाद स्थूल रूप से भी एकांत का सेवन साधक को करना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति एकांत में जाते ही घबराने लगता है, उसको चाहिए कोई ना कोई। एकांत में जाकर के भी वो किसी पुस्तक को, टीवी को उसका आलंबन लेना चाहता है तो उसकी प्रैक्टिस उसको करनी चाहिए। और आरति जन संसदी, जन समुदाय में उसकी आरती होनी चाहिए। तो ये अंदर के ज्ञान की उत्पत्ति के लिए कुछ उपाय यहाँ बताए गए हैं। अभी शेष चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। ओम शांति 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 ही।